45. ABCD square of side 4 centimeter. If E is a point on the interior of a square such that triangle CED is an equilateral, है ना, then area of triangle ACE क्या होगा? चलिए देखते हैं. मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ABCD लिख देता हूँ. ABCD यहाँ पर E क्या है? ऐसा पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर जहां से ECED, जैसे मान लो सपोज कर लेते इधर है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं. तो सपोज कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो CED, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है. हमें क्या कह रहा है? ACE, यानी कि यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना है, ACE का, ठीक है, ACE, इसका एरिया क्या होगा, समझ लीजिए. अब चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा देते हैं, या इधर इधर ही दिखाते हैं, थोड़ा परपेंडिकुलर दिखे भी. इसका नाम देते हैं इस परपेंडिकुलर का, यहाँ पे एम देते हैं. चलिए, अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एंगल सी की, तो वो एंगल सी 90 होगा, और एसी डायगोनल है. एसी इज डायगोनल. जब ये डायगोनल है तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि एंगल एसीडी जो होगा ये 45 डिग्री आ जाएगा. सिमिलरली एंगल एसीबी भी 45 हो जाएगा. तो अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो क्या करना होगा? तो देखिए, यहाँ पर ये एंगल की बात अगर हम लोग करें, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है? 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल एंगल है ना जी. यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ ट्रायंगल सीईडी इज एन इक्विलेटरल है, इसलिए यहाँ पे एंगल ईसीडी इक्वल टू में 60 डिग्री. तो अब ईसीडी की बात करें तो एंगल ईसीएम और प्लस में एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, और इक्वल टू में 60 डिग्री. तो ए सी ई एम ई सी एम प्लस में ये आपका 45 डिग्री, और इक्वल टू में 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री ना उधर सब्ट्रैक्ट करके. तो यहाँ पे एंगल ई सी एम जो हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा. तो ये वाला 15 डिग्री हो गया, यहाँ ये परपेंडिकुलर गिराए हुए हैं. अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला ईसी दिया है ना, 4 सेंटीमीटर, हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है इक्विलेटरल एंगल का, ये दिया हुआ है. तो अब अगर हम लोग वहाँ साइन 15 लगा दें, तो साइन 15 लगाते ही ई एम और बाई में आपका ई सी हो जाएगा. तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1/4, ये होता है, ठीक है ना जी, सॉरी, बाई में 2√2 होता है ना. चलिए, तो अब इसके बाद इक्वल टू में ई एम नहीं पता है, और ये आपका है 4 सेंटीमीटर. तो अब देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 × √3 - 1/√2 ई एम. तो अब देखिए, इसे हम लोग काट देंगे 2 times में, और √2 से इसको काट सकते हैं √2 times में. तो यहाँ से ई एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 × √3 - 1, ये ई एम का वैल्यू आ जाएगा. देखिए, ये हमने यहाँ पर ये ई एम निकाल दिया. तो अगर ए सी की बात करते हैं, एसी तो डायगोनल है, तो डायगोनल हम लोग इस स्क्वायर का निकाल सकते हैं ना, जबकि साइड 4 सेंटीमीटर दिया है. तो अब इसके बाद देखते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ए सी की हम लोग बात करते हैं, तो वो होता है √2 × साइड, यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो 4√2 हो जाएगा. तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी. ए ई सी का एरिया क्या हो जाएगा? एसी का एरिया क्या हो जाएगा? एसीई या एईसी एक ही बात होगी, 1/2 एसी और इनटू में जो आपका ईएम है, देख लीजिए फिगर में मैं लिखा देता हूँ, 1/2 बेस और इनटू में हाइट, यही ना हो जाएगा जी. चलिए, अब इसमें इसके वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं. तो 1/2 एसी है आपका 4√2, और ईएम आपका कितना है, √2 × √3 - 1 cm. तो इसे हम लोग ये काट देते हैं 2 times में, यहाँ आ जाएगा 4 × √3 - 1 cm². तो 4 × √3 - 1 cm², यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर. समझ गए? क्वेश्चन लगते हैं.